गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। पंजाब एंड चंडीगढ़ हाई कोर्ट, पीएससीबी क्लर्क एग्जाम, पीपीएससी, पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट, एसएससी एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस के लिए जो मैंने जीके का एक पार्ट शुरू किया था, जिसका सेकेंड पार्ट होगा, कल ये सेशन हुआ था और जिसका आज सेकेंड पार्ट होगा। इसके बाद में इसके कमेंट सेक्शन में मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा लगभग 4 घंटे के बाद में। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पीपीटी बनाने में टाइम लग जाता है इसके लिए। अदरवाइज अगर आपको कमेंट सेक्शन में पीपीटी नहीं मिलता तो इसके लिए आपको हमारी ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट कर लेना चाहिए, www.gilzmentor.co.in। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिल्ज मेंटोर आप तक सरकारी नौकरी की सबसे पहले और स्टिक जानकारी लेके आता है। आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से न्यूज और जानकारी अपडेट होती रहे तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो गाइज, यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जितने भी आप में से स्टूडेंट्स पंजाब गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन के संबंधित अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके लिए 500 वन लाइनर, 500 MCQ, 300 रिवीजन बेस के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा पंजाब का करंट अफेयर यानी 2018 का कंप्लीट, जी हाँ, वो भी हमने कवर कर दिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने 2017 2017 से 2018 के बीच में जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की हैं उसका भी हमने सेशन कंप्लीट किए हैं। 2019 की सीरीज हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन ये उम्मीद रखते हैं कि पीपीएससी सीनियर असिस्टेंट के एग्जाम और पीएससीबी क्लर्क एग्जाम के पहले आपको बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश बार बार करते रहते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन, और बहुत ही खूबसूरत और मजेदार, एकदम जबरदस्त, और ये फ्रूटफुल भी है। सबसे पहले तो मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, आप में से लगभग मैं कह सकता हूं कि बहुत ही कम बच्चों ने आंसर देने की कोशिश की है। तो मैं आपको हमेशा चैलेंजिंग टास्क देता हूं, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो इसका मतलब है कि आप कुछ आगे करने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हो, ठीक है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से डेफिनेटली जुगाड़ करते हैं, खोजते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछे गए किसी क्वेश्चन का आंसर देने का मादा नहीं रखते हो तो इसका मतलब है कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। यहां से एक मालूम हो जाता है टीचर को कि हमारा स्टूडेंट कहां तक और क्या कैरी कर रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, हर एक चीज को सीरियस लेके करने की कोशिश करें। आपका हो सकता है एक से ज्यादा 2 मिनट, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा वेस्ट होंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी शानदार शो होगी कि हाँ यार, ये बच्चा डेफिनेटली कुछ करने का मादा रखता है। चलिए, सबसे पहले मैंने पूछा था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में मुझे एडिशनल फैक्ट बताने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है, ज्यादातर बच्चों ने कुछ गलत बताया था, ठीक है, तो आपको बताना है कि मंडालेयोंग, ठीक है, आपको याद रखना होगा मंडालेयोंग। तो ये मंडालेयोंग कहां पर है? फिलीपींस में। फिलीपींस की बात करें तो यहां की जो बात करूं कैपिटल की, ठीक है, तो मनीला आपको याद रखना होगा, यानी फिलीपींस फैली हुई है। तो आपने कहा कि इकट्ठी कर दूं, आपने बोला मनीला, राइट। इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ के जो सीईओ हैं, जी हाँ, इसके सीईओ, उनका नाम है टेक हिको निकायो, ठीक है। कुछ बच्चों ने आंसर देने की कोशिश भी की थी, मैं उनको थैंक यू कहूंगा कि जिन्होंने आंसर देने की कोशिश की थी। इसके बाद में नंबर नेक्स्ट आता है कि इसकी फॉर्मेशन ये हुआ था 19 दिसंबर 1966 को, जी हाँ, आपको याद रखना होगा। और इसका मोटो क्या है? फाइटिंग पॉवर्टी इन द एशियन एंड पैसिफिक कंट्रीज, ठीक है, गरीबी से संबंधित उठाना, और स्पेशल तौर पर बात करूं तो एशियन कंट्रीज के अंदर। नंबर नेक्स्ट था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पेपर में हजारों बार आपसे पूछा गया है कि IMF की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बात करते हैं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर की जहां तक मैं बात करूं तो वॉशिंगटन डीसी है, आपको याद रखना होगा। वॉशिंगटन डीसी कहां है? ये यूएस में। यूएस की कैपिटल कहां? ये वॉशिंगटन डीसी है। करेंसी की बात करें, अमेरिकन डॉलर है, आपको याद रखना अमेरिकन डॉलर। यहां के प्रेजिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है, आपको याद रखना होगा। यहां के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो माइक नेंस, आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। जहां तक बात आती है कि सीईओ के क्रिश्चियन लगार्दे, आपको याद रखना होगा क्रिश्चियन लगार्दे, राइट। बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम हियर, तो अगर आपसे एमडी पूछा जाए तो भी क्रिश्चियन लगार्दे देना है। अगर आपको पूछा जाए कि कब फाउंडेड हुआ है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, 27 दिसंबर 1945, याद रखिएगा गाइज, 27 दिसंबर 1945 को ये एस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद में आता है कि यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन क्या है? बेसिकली यह है कि यूरोपियन संघ, कहने का मतलब, संघ का मतलब एक यूनियन है, स्थित है, जिसमें लगभग 28 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक मंच का ग्रुप है, जो आपस में एक प्रशासनिक साझेदारी होती है, जो कि संघ के कई और अधिक जो
राष्ट्रों पर लागू होती है इसका मैं कह सकता हूं कि 1957 में यानी रोम की संधि के द्वारा, यानी रोम कंट्री थी उसके द्वारा एक यूरोपियन संघ की आर्थिक परिषद के माध्यम से 6 यूरोपियन देशों ने आर्थिक भागीदारी से हुआ था, जिसमें आज बहुत बड़ा स्तर पर यूरोपियन संघ है, जैसे मैं कह सकता हूँ कि एशियन है, राइट। जहां तक बात आती है कि इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, ठीक है। मैं काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसको स्पेस बनाकर नीचे लिखने की कोशिश करता हूं। जहां तक आती है इसका हेडक्वार्टर, तो आपको रखना होगा याद सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, ठीक है। हाँ जी, आपको याद रखना होगा ब्रुसेल्स। और जहां तक बात आती है ब्रुसेल्स कहां पर है, ये बेल्जियम है। अगर पूछा जाए कि बेल्जियम की कैपिटल क्या है, तो सिटी ऑफ ब्रुसेल्स बिल्कुल याद रखना होगा। इसकी करेंसी की बात करें तो आपको याद रखना होगा यूरो, राइट। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि एस्टेब्लिश कहां हुआ था शुरू के अंदर, ये 1993 में हुआ था, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि मैस्ट्रिच आपको याद रखना होगा, मैस्ट्रिच कहां पर है, मैस्ट्रिच है नीदरलैंड में, कहां पर है ये आपको याद रखना होगा, नीदरलैंड। जहां तक बात आती है नीदरलैंड की, तो इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम, ये आपको याद रखना होगा, इसकी करेंसी है यूरो। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी मैं सेशन करवाऊं, चाहे करंट का करवाऊं, चाहे एडिशनल फैक्ट्स का करवाऊं, कुछ भी करवाऊं यार, आप मेरे साथ प्लीज पेन और पेज या कुछ भी यार कॉपी लेके जरूर बैठिएगा यार, नोट करने की कोशिश करिएगा। ऐसे तो आपको हजारों यूट्यूबर पे मिलेंगे, लेकिन अगर आपने किसी क्वेश्चन का चीरफाड़ नहीं किया, ऑपरेशन नहीं किया, तो फिर मजा ही क्या आया, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं हर बार कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अंत में है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म है क्या, बेसिकली वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फॉर्म है इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना होगा, ठीक है, क्लोनी, ठीक है। ये कहां पर है, ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड की यहां तक बात आती है कैपिटल की, तो बर्न इसकी कैपिटल है। आफ्टर दैट बात करते हैं तो स्विस फॉर्म, स्विस फ्रैंक इसकी क्या है, करेंसी है। इसके बारे में ये फाउंडेड कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है कि क्लॉस सचवेब, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा 1971 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। चलिए तो ये आप सबको इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, तो बढ़ते हैं आगे और आज की सीरीज का लेते हैं पहला क्वेश्चन। गाइज इसके क्वेश्चन नंबर 12 मैंने कंप्लीट करवाए थे, 12 क्वेश्चंस कल करवाए थे, मैं 13वें क्वेश्चन से शुरू करने जा रहा हूं आज का सिलसिला, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन ऊपर पढ़ लेना है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको करेक्ट आंसर देने की, राइट। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, चलिए अब मैं इसका आंसर दे देता हूं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश के बारे में एडिशनल फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आती है कि कैपिटल, यहाँ की कैपिटल क्या है, तो आपको याद रखना होगा कि अमरावती यहाँ की कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो तेलुगु यहाँ की लैंग्वेज है। एरिया की बात करते हैं तो याद रखिएगा 160-205 किलोमीटर स्क्वायर, राइट, यहां पर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। जहां तक बात आती है कि एरिया वाइज की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि 8वीं इसकी रैंक है, ठीक है। पहली रैंक पर कौन सा स्टेट है, राजस्थान है। दूसरे पे आपको याद रखना होगा एमपी है। पॉपुलेशन में सबसे पहली रैंक किसकी है, यूपी की, आपको याद रखना होगा, ठीक है। जहां तक बात आती है पेपर में आपको ऐसे हजारों बार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पॉपुलेशन बेस पर इस स्टेट की कौन सी रैंक है, तो 10वीं रैंक है, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। पीछे से पीएसपीसीएल में बहुत बड़े अजीब क्लर्क पेपर में पूछे गए थे क्वेश्चंस। अगर आपको पूछा जाए यहाँ का सेक्स रेशियो क्या है, तो सेक्स रेशियो आपको याद रखना होगा 993, यानी इसका मतलब ये होता है कि किसी स्टेट में 1000 गर्ल्स हैं तो उनके बराबर कितने बॉयज हैं, तो यही क्वेश्चन आता है कि 1000 बॉयज के बराबर कितनी गर्ल्स हैं, तो 1000 बॉयज के बराबर 993 गर्ल्स हैं, राइट, ठीक है। लिटरेसी रेट की बात करें तो ठीक ठाक, बहुत अच्छा मैं कह सकता हूं कि 67.4% है, ठीक है। कॉस्ट लाइन की बात करते तो 972 किलोमीटर, ठीक है, यहां का एरिया लगता है। इसमें डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, कहां पर, आंध्र प्रदेश की, जहां तक बात आती है गाइस, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से लिख रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखना तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं आपको सिंपल एक सेशन कंप्लीट करवाने के बाद में आगे निकल जाए या करूं। लोकसभा सीट की जहां तक बात करते हैं 25 लोकसभा सीट है, ठीक है। और राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो 11 राज्यसभा सीट है। और जहां तक स्टेट की बात करते हैं तो ये स्टेट मेरे याद रखना बंधुओं 1953 के अंदर बना था, ठीक है। पंजाब की बात करते हैं 1900, आपको बताना, चलिए काम करता हूं, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूं, पंजाब और हरियाणा कब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन आज की सीरीज का पहला पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सही तरीके से और सही जज करके बताएंगे। जहां तक बात आती पीछे आरपीएफ के पेपर में पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के सबसे पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो आपको याद रखना होगा तंगुतुरी, ठीक है,
प्रकाशम आपको याद रखना होगा, तंगुतुरी प्रकाशम पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पहले गवर्नर का नाम बताना है आपको, तो चंदू आपको याद रखना होगा, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है गाइज, जहां तक बात आती है यहाँ की स्टेट ऑफ सिंबल की, तो यहाँ का जो ट्री है वो है भैया, आपको याद रखना होगा नीम, यहाँ का नेशन स्टेट ट्री है। फ्लावर की बात करते हैं तो वाटर लिली है यहाँ का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। और स्टेट फ्रूट है वो है मैंगो, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। स्टेट एनिमल है ब्लैक बक, ठीक है, मैंने पूछा था कि ब्लैक बक, इससे पहले मैंने जब पंजाब का क्वेश्चन करवाया था तो पंजाब के कल्चर में मैंने बताया था कि पंजाब का जो स्टेट एनिमल है वो है ब्लैक बक, और इसके साथ में बोला था कि ऐसा कौन सा स्टेट है, तो आपने आंध्र प्रदेश बताया था, कुछ लोग हरियाणा बता रहे थे, वो गलत था। स्टेट बर्ड की बात करते इंडियन रोलर है, और स्टेट स्पोर्ट की बात करते हैं तो कबड्डी है, ये आप सबको याद रखना होगा। उम्मीद करता हूं ये सेशन सबको अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज मैक्सिमम टाइम तक आगे हिला दीजिए यार, बढ़ा दीजिए आगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन हियर, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और मैं आपको टाइम देता हूं बीच में ओनली 10 सेकंड्स का। चलिए क्या मैं टिक टिक वन करूं? ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो यार मुझे जरूर बताया करें आप, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमारे विद्वान बंधुओं को क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा, राइट। चलिए कोशिश करें आप सही तरीके से इसका आंसर देने की। चलिए टाइम इज ओवर, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ के सीएम कौन है, ममता बनर्जी हैं। यहाँ के गवर्नर की जहां तक बात आती है तो केसरी नाथ त्रिपाठी है। जहां तक बात आती है कि हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है, ठीक है, अब आती की बात यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है, तो आपको याद रखना होगा फिशिंग कैट यहाँ का स्टेट एनिमल है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा फिशिंग कैट, ठीक है। अब इसके बाद में नंबर 2 पर आता है कि स्टेट रिवर की बात करते हैं तो हुगली आपको याद रखना है कि पेपर में हजारों बार पूछा गया यार हुगली, ठीक है, एंड दामोदर, ठीक है, या आपको ऐसे क्वेश्चंस हजारों बार क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि हुगली रिवर किस स्टेट से है, ठीक है। स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो आपको याद रखना कि थ्रोटेड एंड जिसे किंग फिशर कहते हैं, राइट। इसके बाद में स्टेट स्पोर्ट की फुटबॉल है, यहाँ का बहुत ही फेमस है। चलिए यहां तक लोकसभा सीट पूछ ली जाती है, लोकसभा सीट की बात करते हैं तो 42 है, और राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो 16 है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रख लीजिए, वल्लभपुर मैं आपको पर्टिकुलर लिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ नोट करिएगा, ठीक है, हाँ जी, वल्लभपुर यहां का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसके बाद में नंबर 2 की बात करूं तो बुक्सा भी यहां पर है, बुक्सा के बाद में बताऊं तो यहां पर याद रखना होगा कि आपको जिसको हम कहते हैं चपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहां पर है, ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि हॉलीडे आइलैंड भी यहां पर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। और सेंचल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वेस्ट सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी यहां पर है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बार बार याद रखने। जहां तक बात आती है नेशनल पार्क की यार, तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बुक्सा नेशनल पार्क यहां पर है, ठीक है, गोरुमारा नेशनल पार्क यहां पर है, न्योरा वैली नेशनल पार्क यहां पर है, और आपको ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट आगे रखने हैं, राइट। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन हियर, प्लीज रीड इट एंड गिव द आंसर, आप पढ़िएगा और इसका आंसर देने की कोशिश करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 15, यू गॉट द आंसर, क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। ये इमेजेस मैंने इस प्रकार से आपको दी हैं कि आप याद रखेंगे, अगर एलोरा के बारे में पूछा जाता है केव्स कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको हर बार पूछे जाएंगे तो डेफिनेटली आप सबने करेक्ट आंसर देने की कोशिश करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं, तो कोशिश करिएगा फर्स्ट सेशन जरूर देखें, नहीं देखा है गाइस उसको देखिए, ठीक है, डीप में मैंने इसी प्रकार से काम करवाया। क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन हियर, ठीक है, निकोसिया के बारे में पूछा गया, कैपिटल ऑफ विच कंट्री, निकोशिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री गिवन हियर, क्वेश्चन नंबर 16, अपार्ट फ्रॉम हियर इसका करेक्ट आंसर होगा साइप्रस इज द राइट आंसर, साइप्रस। चलिए अब बात करते हैं कि जो आपको पहला क्वेश्चन इस 16 का पहला ऑप्शन दे रखा था, कोसोवो, कोसोवो की कैपिटल की बात करते हैं यार, कोसोवो की कैपिटल बहुत बार पेपर में पूछी गई है तो आपको याद रखना होगा, ठीक है, प्रिस्तिना, मैं आपको नोट करवा देता हूं प्रिस्तिना, और यहां की करेंसी है वो है यूरो,
उसके बाद में आती है घाना। घाना बर्ड सेंचुरी तो भरतपुर राजस्थान में है। घाना की बात में पूछा जाए तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, एकरा। और यहां की बात करते हैं करेंसी की, तो घनानियन केडी, ठीक है, घनानियन मैं यहां पर जी लिखूंगा। साइप्रस की बात करते हैं तो आपको सबको मालूम चल ही गया निकोसिया, ठीक है। निकोसिया के बारे में यहाँ की करेंसी पूछी जाती है तो यूरो होगी। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हम और जंजीरों से आगे निकल लेते हैं, क्लियर, ठीक है। तो अब आता है लाइबेरिया, ठीक है। लाइबेरिया की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि मोनरोविया, ठीक है, मोनरोविया। इसके बाद में आती है लाइबेरिया की करेंसी की बात, तो आपने लिखना है लाइबेरियन डॉलर जब भी पूछा जाए। हाँ जी, नंबर फिफ्थ पे है मोल्डोवा। मोल्डोवा की बात करते हैं तो यहाँ की जो कैपिटल है उसे हम कहते हैं चिस्नाउ, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा चिस्नाउ। एंड यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो मोल्डोवियन लियो, राइट, मोल्डोवियन लियो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो गाइस ये सेशन अच्छा लग रहा है, तो बस आप सबको मालूम है क्या काम करना है यार, ठीक है। चलिए, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए गए हैं, वहां जाकर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के ये क्वारीज होती है कि सर अब मान लो जैसे ये सेशन है, ये अगर आप एक वीक के बाद में कोई स्टूडेंट्स देखता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज मैं कह दूं 13 फेब है, एक वीक के बाद में कोई भी बंदू देखता है तो वहां उस वक्त दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक हो सकता है फुल हो जाए। इसलिए आप बिल्कुल ताजे और एकदम प्योर होकर गिल्ज मेंटोर के साथ जुड़ा करें यार, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द करेंसी ऑफ वियतनाम। वियतनाम की करेंसी बतानी है तो मुझे नहीं लगता इसमें क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो सकता है, डोंग आपको याद रखना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर है डोंग। यहाँ की कैपिटल आपको याद रखनी होगी हनोई, ठीक है, नोट करिएगा। अगर पूछा जाए कि वियतनाम की कैपिटल क्या है तो आपको हनोई याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन हियर, व्हेन इज द इंटरनेशनल नर्स डे ऑब्जर्व। नर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा मई 12 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, तो ये पढ़ के आज का आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ना है और इसका सही आंसर कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, सिक्किम, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यस, टिक टिक करें आप या मुझे टिक टिक करना पड़ेगा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट करें, इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई इज द सिक्किम इज द राइट आंसर है। जहां तक बात आती है सिक्किम की, ठीक है, तो गैंगटॉक यहाँ की कैपिटल सिटी है। और मैं बात बताऊंगा, आप बताइएगा चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ की, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम बताना है आपने। कैपिटल है यहाँ की गैंगटॉक, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात करते हैं फॉर्मेशन, 1975 में ये स्टेट बना था, ठीक है, 16 मई। और स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो यहाँ का क्या है, रेड पांडा है, ठीक है, रेड पांडा यहाँ का स्टेट एनिमल है। मैं कोशिश करूंगा आपको सब कुछ बता दूं, ठीक है। यहाँ के स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो ये है आपके पास याद रखना होगा कि ब्लड फेशंट यहाँ का है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना होगा। जहां तक बात आती है कि मैं यहाँ का सेक्स रेशियो की बात करूं तो 889 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ की लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना की सर 87.75% है, बहुत अच्छा कह सकता हूँ। असेंबली की जहां तक बात आती है कि टोटल 32 सीट है, और पार्लियामेंट्री, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो एक है यहाँ पर। इसके बारे में मेजर क्रॉप के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि मेज सबसे ज्यादा पेडी, ठीक है, और वीट हो गया, फिर बार्ले हो गया यहाँ का, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ऑफ सिक्किम, यानी ये पीपीएससी में बहुत बार पूछा गया यार, इस क्वेश्चन को खा जीजिएगा आप, ठीक है। तीस्ता यहाँ पर है और रंगीट, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि किस स्टेट की रिवर्स है, ठीक है। फेस्टिवल इन सिक्किम के अंदर आपको याद रखना होगा, ठीक है, लूजिंग, या मैं कह सकता हूं कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। कंचेन जोंगा आपको याद रखना होगा, मेजर डांस और म्यूजिक है यहाँ पर कंचेन जेंदा एंड काली काली टोपी हैट, ठीक है, ये भी बहुत फेमस है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट थोड़े से फैक्ट्स थे, तो कोशिश करिएगा इनको नोट डाउन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है,
बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनमें से कहां पर है? जयपुर, रांची, आगरा एयरपोर्ट, पुणे और पटना। तो बताना चाहूंगा कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको देखने में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, रांची इज द करेक्ट आंसर है। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप सबने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। तो ये हमने कंप्यूटर की बुक एक तैयार की है जिसमें 1600 वन लाइनर क्वेश्चन है, 350 एमसीक्यू, 500 अलग से एमसीक्यू है। कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट इसमें थ्योरी मिलेगी, उसके बाद में आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको थ्योरी से समझाया गया है, फिर वन लाइनर क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में एमसीक्यू है। तो हमने कोशिश की है कि आप सबके लिए पीएससी, ठीक है, खासतौर पर पीपीएससी, पीएससीबी क्लर्क, पटवारी, आईबीपीएस, सीटेट, कैट, ठीक है, और एसबीआई की वैकेंसीज भी बहुत जल्दी आने वाली है। ध्यान रखिएगा, एसबीआई प्योर क्लर्क की वैकेंसीज बहुत जल्दी आने वाली है। और कंप्यूटर को हम लोग बेसिकली क्या मानते हैं कि बहुत ही ईजी और सिंपल सा सब्जेक्ट मानते हैं, इसलिए आप में से कई विद्वान बंधु ऐसे हैं कि मार खा जाते हैं, वो इसी वजह से खा जाते हैं। हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है, कुछ बाहरी स्तर के घूमते फिरते क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं, ठीक है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटीज के घूमते हुए क्वेश्चंस भी हमने इसमें एडजस्ट करने की कोशिश की है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट में आ चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सब ये बुक पढ़ने के बाद में बहुत अच्छा लुत्फ उठाएंगे। मैं कह सकता हूं कि आपके आने वाले पेपर में जब पीएससीबी क्लर्क एग्जाम के लिए 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के, मैं कह सकता हूं कि सिंगल क्वेश्चन भी एक बुक में से आउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इसमें सिंगल क्वेश्चन भी आउट हो जाता है तो ध्यान रखिए गिल्ज मेंटोर आपकी पूरी रिस्पांसिबिलिटी लेगा, इससे बड़ी हम कोई आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो गाइस इसी प्रकार से आप गिल्ज मेंटोर को प्यार करते रहा करें, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।